नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथ फाइंडर में जहाँ हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म अलर्ट डॉट एग्जाम पाथ फाइंडा डॉट कॉम पर विज़िट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है ई पी एफ़ अलर्ट ऐप उसको भी से इज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं तो दोस्तों यूपीएससी के द्वारा एप्लीकेशन निकाली गई थी जूनियर टेक्निकल ऑफिसर और ग्यारह अन्य पोस्ट के लिए तो उसकी शॉर्ट लिस्टेड और नॉट शॉट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट पोस्ट और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पोस्ट इन दोनों पोस्ट की शॉर्ट लिस्टेड और नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है तो ये आप हमारे प्लेटफॉर्म पर विजिट करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों ये डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट डी पोस्ट का जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है यहाँ पे आपको मिल जाएगी इस तरह से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर गिवन है तो आप चेक कर सकते हैं जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया था तो आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं रोल नंबर वाइज रोल नंबर यहाँ पे उन सभी कैंडिडेट्स के गिवन है जो सिलेक्ट हुए हैं शॉट लिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए और जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ जिससे भी रीजन रीजन की वजह से उनके रोल नंबर गिवन है और रीजन भी गिवन है कि वो किस वजह से नहीं शार्ट लिस्ट हुए हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं नॉट शॉट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट और साथ में उनका जो रीज़न है कि वो शार्ट लिस्ट क्यों नहीं हो पाए उसका रोल नंबर भी गिवन है तो आप रोल नंबर वाइज ये दोनों लिस्ट चेक कर सकते हैं ये आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिल जाएगी ये डी पी ए डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की शॉट लिस्टेड और नॉट शॉट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट का नोटिफिकेशन है और ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पोस्ट की जो शॉट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट की लिस्ट है ये वैकेंसी यू के द्वारा निकाली गई थी उनके भी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट इंटरव्यूज़ के लिए उनके रोल नंबर गिवन है तो आप इंट रोल नंबर के हिसाब से चेक कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट शॉट लिस्ट हैं उनका रोल नंबर यहाँ गिवन है और जो नॉट शॉट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो भी यहाँ गिवन है और साथ में रीजन गिवन है कि क्यों वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए तो आप उसको चेक कर सकते हैं और उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर गिवन है जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया और यहाँ पे रीजन गिवन है जो शॉट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट है वो भी यहाँ गिवन है तो आप इसको चेक कर सकते हैं दोनों पोस्ट की जो शार्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो इंटरव्यू के लिए शॉट लिस्ट हुए हैं वो आपको नोटिफिकेशन हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगा तो आप इसको चेक कर सकते हैं अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया था और अगर आपने इसका एग्ज़ाम दिया था तो आप इसमें देरी ना करें आप जल्द से जल्द इस चेक करें मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है अगर आप इस इवेंट को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ और इससे रिलेटेड अपडेट्स से बने रहने के लिए आप इस इवेंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर आप कोई भी इफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म पर विजिट करके डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे प्लेटफॉर्म कम्युनिटी डॉट एग्ज़ाम पाफानी डॉट कॉम पर विजिट कर सकते हैं और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो इस तरह से राइटर रिप्लाई सेक्शन पे आके रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ दोस्तों ये हमारा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बार फिर क्रिएट कर रखें टॉप ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन है ये अपडेट जो है यूपीएससी से रिलेटेड है तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी उससे रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी तो आप अपना रिजल्ट जो भी जो लिस्ट है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की उसको आप जल्द से जल्द चेक करें आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आशा करती हूँ आपको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन मिल पाई होगी वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में